दोस्तों आज मैं फर्स्ट राइड करूंगा TVS अपाचे RTR 160 2B के ब्लूटूथ मॉडल का। आप यहां पर देख सकते हैं इसमें लिखा है स्मार्ट कनेक्ट, और इससे पहले मैंने जिस बाइक को चलाया था उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती थी, तो आज मैं इसको चलाकर देखता हूं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है तो उसका भी मैं उपयोग करते हुए चलाऊँगा, क्योंकि अगर वैसे चलाऊँगा तो नॉर्मल वाली ही बात हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुकी है, मैं इस पर बैठ जाता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ नेविगेशन पे मैं जाता हूँ, और मैं इसमें जहाँ पर हूँ मैं, जैसे अगर आप मेरी करंट लोकेशन देखेंगे तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। और सरदार TVS अयोध्या उत्तर प्रदेश में ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं, आप इनको ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर ये पहले से ही मैंने जो मैप डाल रखा था तो वो इसको दिखा रही है, और अभी मैं इसको जाने के लिए बोलता हूँ भाई कि कहाँ जाना है मुझे। ये देखिए मैंने शहादतगंज के लिए जो है इसमें कह रखा है, पहले बता रखा है इसको भाई शहादतगंज जाना है। अब इसको मैं नेविगेट करना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से 6 मिनट लगेंगे, 2.2 किलोमीटर और 610 मीटर है, और बाकी सारी चीज़ें आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख लें कि क्या बता रहा है ये। तो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, इसकी स्टार्टिंग बहुत गजब है और ये कलर बहुत गजब है। और भाई देखो अपाचे की जो सबसे ज़्यादा प्यारी बात लगती है वो ये कि इसका जो राइडिंग पोजीशन है बहुत गजब है, मतलब बैठने के बाद फील आता है, ये चीज़ तो अच्छी बात मुझे लगती है। और उसके अलावा इसके जो साउंड है, इसका जो जैसे एग्जॉस्ट साउंड है, वो उसका जो रोर उत्पन्न होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही मज़ा। अभी आप देखेंगे ये बिल्कुल सीधा दिखा रही है कि सीधा चलो मिंटू भाई, ठीक है नाम तो नहीं ले रही है लेकिन अब वो कहेगी कि सीधा चलो। और जैसे ही मैं भी रॉन्ग साइड जाऊंगा तो ये आप देखेंगे कि ये बताएगी कि ये, मान लो मैं आज रास्ता भटक जाता हूँ तब देखता हूँ कि ये कैसे बताती है। मतलब अगर इस रोड पे मैं सीधा जाऊँगा तो ये शहादतगंज गया है, 2.5 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा इधर उधर करके इसको देखता हूँ कि ये मतलब सही काम करता है कि नहीं करता है। और बाकी भाई सस्पेंशन सही है, ये सारी चीज़ें पहले से ही आ रही हैं, पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुकी है बाइक, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई है, तो पहले से ज़्यादा समझदार हो गई है ये बाइक। आगे से मैं कचहरी की तरफ मोड़ लेता हूँ, मैं हाइपर मोड में नहीं चलाना चाहता हूँ। और देखिए गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है, और एक मिनट मैं इसमें एक चीज़ ये भी चेक करूँगा कि अभी कहूँगा राहुल से फ़ोन करने के लिए। मैं अभी आप लोगों के सामने कहूँगा फ़ोन करने के लिए, और देखता हूँ कि फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते, मतलब कि मतलब फ़ोन आता है तो कैसे उठाना पड़ेगा। नो इंटरनेट, पुअर नेटवर्क, क्योंकि मैंने फ़ोन मिला दिया है इसमें। कॉलिंग राहुल, या देख लें यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ। हेलो राहुल, उधर से हमारे आइडिया नंबर पे फ़ोन करो। तो अभी मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ और देखता हूँ कि इसमें फ़ोन आता है कि नहीं आता है। राहुल कॉलिंग हो रही है, आप देख लें यहाँ पर राहुल की कॉलिंग हो रही है, और मैं इस बटन से उठाने की कोशिश करता हूँ। उठ गया कि गिर गया? हेलो, एक मिनट देखता हूँ उठा है कि नहीं। और अभी भाई कट गया, इससे इस बटन से मोबाइल फ़ोन कट जाएगा। फिर से फ़ोन आ रहा है और मैं देख लेता हूँ कि फ़ोन उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं इससे तो कट रहा है भाई, इससे तो कट रहा है। देखता हूँ, अब देखिए ये बता रहा है कि मुझे मुड़ना है, क्योंकि मैं गलत आ चुका हूँ, मुझे सीधा जाना चाहिए। भाई दोबारा बार बार फ़ोन करते रहो, कुछ चेक कर रहा हूँ तो बार बार फ़ोन करते रहो। अच्छा
तो अभी मुझे फ़ोन आएगा तभी मैं दिखा पाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे हैं। नो इंटरनेट ETA। अब आ रहा है फ़ोन, अब इससे तो मैं दबा रहा हूँ तो इससे कुछ हो नहीं रहा भाई, इससे तो रेन अर्बन और इसको दबा के रखता हूँ तो देखो इससे उठ नहीं रहा भाई फ़ोन। अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो उठता नहीं है, देखिए मैं लॉन्ग प्रेस करके रख रहा हूँ तो भी नहीं उठ रहा है, अगर मैं इस बटन को दबा देता हूँ तो भी नहीं उठ रहा है। कुल मिला के फ़ोन आपको इसमें पता चल जाएगा, लेकिन आप इससे उठा नहीं सकते हैं, सिर्फ काट सकते हैं, इसे कर दिया तो कट जाएगा। तो ये है, अब देखिए ये इसका नेविगेशन बिल्कुल सही बता रहा है, आगे से मोड़, बस करो राहुल, अब जरूरत नहीं भाई, बस करो। अच्छा तो मैं दोबारा इधर, अब देखिए ये इसमें एक मिस कॉल लिख उठी है, और मेरा इंटरनेट डिसकनेक्ट हो चुका है। रीरूटिंग मतलब ये फिर से रूट बता रहा है। वाव यार गजब, अपाचे का जो पिकअप है ना RTR टेक्नोलॉजी, हलचल मचा देती है दिल में एकदम, और गियर पोजीशन इंडिकेटर है, सब कुछ है। वाव यार गजब, वाव, हट जाओ बच्चों, वाह गुरु, वाह वाह। देखो भाई इसमें कोई शक नहीं है कि जो इनकी RTR टेक्नोलॉजी है ये लाजवाब है, पिकअप एकदम इंस्टेंट पावर देती है, मज़ा ही आ जाता है, और बाकी सस्पेंशन ब्रेकिंग सब सही है। हाँ थोड़ा सा इस समय मैं स्पोर्ट मोड में हूँ, अब मैं ज़रा मोड बदल लेता हूँ। देखिए रेन मोड का मतलब कि आपको पिकअप कम चाहिए, ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो इसलिए ये रेन मोड होता है, और बाकी अर्बन में आपको लगभग बराबर मिलेगी, और स्पोर्ट मोड में आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिलेगी, उसके साथ साथ ब्रेकिंग भी बेहतरीन मिलेगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और एक बार मैं उधर से चला के देख के आ जाऊँ ये गड्ढों में कुदा के। वाह अरे हाँ भाई सस्पेंशन सही है, नई बाइक है, थोड़ा सा हार्ड लगता है, अब पूरा ब्रेकर ही कुदा देता हूँ। ओह बेटा वाह मैन गजब। देखो भाई नई अपाचे चलाने पे मज़ा ही कुछ और आता है। अब मैं मोड़ लेता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं चलता हूँ, सीधा चल के। तो भाई अगर मेरी राइड की बात की जाए तो पिकअप मस्त लगा, ब्रेकिंग मस्त लगी, 120 mm के टायर हैं, तो मतलब जो दूसरी इनकी बाइक है बिना ब्लूटूथ वाली उससे तो कहीं ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। बाकी चलाने में जैसे पिकअप उकअप ऐसा तो है नहीं कि उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन ये है कि चलाने का फ़न टू मज़ा, जो मज़ा है वो मिल रहा है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, और बाकी कलर भी अच्छा इसका मुझे लगा। तो अब आप लोग बताओ भाई आप लोगों की क्या राय है इस बाइक को लेकर, और बाकी मैं तो ले आया हूँ आप लोगों के लिए ही। तो ये रही आपकी TVS Apache RTR
62B ब्लूटूथ वाली। और अभी मैं दिखा देता हूँ आपको इसका ज़रा लॉक खोल के। ये रहा TVS कनेक्ट। अब ये बता रहा है कि इधर उधर जाओ। कुल मिला के मैं इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ और अभी आप देखेंगे 0 से 60 9.12.9 वोल्ट 26 किलोमीटर प्रति हावर एवरेज स्पीड मैंने इसकी चलाई है। तो यही है भैया ये आपकी। और ये देखिए यहाँ से अभी भी नेविगेशन बता रही है। तो ये बाइक आपको कैसी लगी दोस्तों, आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं। बाकी मेरी टेस्ट राइड में मुझे ब्रेकिंग सही लगी, पिकअप सही लगा, सब कुछ ज़बरदस्त लगी है क्योंकि पहले से आ रही है, कोई नया प्रोडक्ट है नहीं, सिर्फ उसको अपडेट कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें अच्छी लगी ही क्योंकि भाई पहले से ही आ रही है। और टायर ज़रा दिखा दूँ मैं आपको, 120 mm का वाइट टायर है। तो भाई पीछे से देखने में एकदम पहले से ज़बरदस्त लग रही है। तो आप लोगों की क्या राय है इस बाइक को लेकर, अपनी राय जरूर दें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।